लाना, अपने उन तमाम बंधकों को वापस लाना जो इस वक्त गाजा पट्टी में है और हर बीतते मिनट के साथ उनके जान को खतरा है, उनको आपको वापस लाना है। बंधकों में हमने दिखाया कि महिलाएं भी शामिल है, उनको कैसे आप वापस लाएंगे, ये इजराइल की बड़ी प्राथमिकता होगी। हमास के साथ उनकी लड़ाई चल रही है, लंबे समय से चलती ठीक है, लेकिन आगे भी चलती रहेगी। संदीप जी, एक सवाल था मेरा कि अगर इस पूरे मामले में इजराइल और अग्रेसिव होता, इजराइल का गाजा में काउंटर अटैक हुआ, ये इस वक्त की बड़ी खबर, इजरायली एयरफोर्स ने मिसाइल अटैक किया है, तो ये तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा दें जहां पर इजरायल का गाजा में हुआ है काउंटर अटैक, इजरायली एयरफोर्स ने मिसाइल से किस तरीके से अटैक किया है इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो आज ही फिलिस्तीन की तरफ से 5,000 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है इसराइल के खिलाफ, और इसी पर लगातार आप तक अपडेट्स हम पहुंचा रहे हैं। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से रिहायशी इलाकों को भी एक एक कर टारगेट किया जा रहा है, और दूसरी तस्वीरों में आपको हम दिखाएंगे किस तरीके से लोग अपनी जान बचाकर भागते नजर आ रहे हैं। तो गाजा में इसराइल का अटैक, दो तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर साफ तौर पर लोगों को भी देखा जा सकता है, दूसरी तस्वीरों में लोग जान बचाकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। रवि, बिल्कुल, तस्वीरों पर नजर डालते हैं और समझ में आएगा कि किस तरह की स्थिति है। एक तरफ जो आप प्रतिमा की तरफ तस्वीर देख रहे हैं, इजरायली एयरफोर्स का हमला हुआ और हमले के बाद देखिए कैसे ये बिल्डिंग धू धू करके यहां पर जल रही है और धुआं उठ रहा है, और दूसरी तरफ ये देखिए तस्वीरें जो आपको साफ समझ में आ रहा होगा यहां पर किस तरह का माहौल है, लोग भागते नजर आ रहे हैं यहां पर अटैक के बाद से ये स्थिति बनती जा रही है। सबसे बड़ी जो चिंता है वो ये कि इसराइल के ये जो काउंटर अटैक शुरू होंगे उसके बाद क्या स्थिति होगी, क्योंकि इसराइल ने कह दिया है बदला लेंगे इस हमले का। बड़ी खबर क्या है यह आप जरा देखिए, हमास का इसराइल के मिलिट्री बेस पर कब्जा हो गया है, ये बड़ी खबर, और इसके साथ ये वीडियो, हमास के लड़ाकों ने कई इसराइली सैनिकों को मारा है, मिलिट्री बेस पर कब्जा, इजरायली बेस पर कब्जा। और मनीष, कुछ देर पहले ही आपने ये वीडियो भी शेयर किया और ये देखिए अब ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, किस तरह से ऐसा लग रहा है कि जो अंदर इजरायली सैनिक थे वो उनको बिल्कुल इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतना सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल करुणा, जो तस्वीरें आज हम दिखा रहे हैं, हमने भी कभी नहीं सोचा था कि इजराइल की सरजमीन से ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेगी। इस तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर में जो अभी सैनिक भाग रहे हैं ये सब हमास के लड़ाके या हमास के आतंकी, आप जो कहें, इजराइल के मिलिट्री बेस में अंदर जाते हुए इसके बाद इस मिलिट्री बेस के अंदर वो घुसते हैं। यहां पर देखिए ये सब 1, 2, 3, 4 करके कई सारे यहां पर इजराइल के टैंक और इजराइल के आर्मर्ड व्हीकल आपको दिखाई दे रहे हैं, और उसके बाद फिर यही आतंकी यहां से जब वो अंदर में बैरक में पहुंचते हैं, बैरक में अंधाधुंध वो फायरिंग करते हैं, और जो सामने में देखिए तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, उस तस्वीरों में बैरक में वो अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं, और उस वहां पर जो मौजूद इजरायली सैनिक हैं वो वहां पर मौत के घाट उतार दिए जाते हैं, मारे जाते हैं। तो लगातार जो खबर, मनीष मैं आपको रोक रही हूं, इस वक्त बड़ी खबर बता दें, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा बयान दे दिया इस हमले के बाद, रॉकेट लॉन्चर के जो रॉकेट से रॉकेट दागे गए, पहला बयान आया है सामने नेतन्याहू का, क्या बयान है आपको बताएंगे। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बयान दिया है, हम युद्ध के हालात में हैं, ये आपातकाल है, हम युद्ध के हालात में हैं, हम ये युद्ध जीतेंगे, ये कहना है बेंजामिन नेतन्याहू का, हम फिलिस्तीन से ये युद्ध जीतेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बड़ा बयान प्रधानमंत्री इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का, और ये पहला बयान सामने आया, इस पर हम विस्तार से अपने तमाम मेहमानों से बात करेंगे। इस बीच पहली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर के साथ बाइक पर हमास के लड़ाके खुद वीडियो बना रहे हैं, हमास के लड़ाके, ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर, टैंक को जलाने का वीडियो बना रहे हैं लड़ाके, ये तस्वीरें देखिए भयावह है, ये तस्वीरें जहां पर टैंक को जलाया जा रहा है और टैंक को जलाने का वीडियो भी इन लड़ाकों द्वारा ही बनाया जा रहा है। العز يا اخوان والله مشاهد عز
तो मनीष मुझे लगता है आरपीजी जी इनके हाथ में जहां आरपीजी है वहीं दूसरी तरफ जिस टैंक की बात हम कर रहे हैं वो टैंक इजराइल का बहुत प्रतिष्ठित मरकावा मार्क 4 टैंक है जो उनके मेन बैटल टैंक में से एक है और आप देखिए कि उस मेन बैटल टैंक को इस समय हमास के आतंकी ने अपने कब्जे में किया। आपको लगता है ये प्लान या कंट्रोल अटैक लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि जिसको जहां जो मिल रहा है उस पर अटैक कर रहा है ऐसा? देखिए अनप्रेसिडेंटेड अटैक है, इजराइल ने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं था। 50 साल के बाद इजराइल पर वो हमला हुआ है जिसके बारे में कभी उन्होंने सोचा नहीं था। ठीक है, अभूतपूर्व हमला है ये। और देखिए एक और बड़ी खबर है, इजराइल में कार गोदाम पर रॉकेट हमला, रॉकेट हमले में कई कारें एक साथ जली। इस हमले में आप देखिए किस तरह से कारों को नुकसान हुआ, ये देखिए ये तस्वीर, देखिए ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से सिलसिलेवार ये यहां गाड़ियां लगी हैं। और ये देखिए अब हम बिग वॉल पे ले आए इस पिक्चर को मनीष, गाड़ियां धू धू करके जल रही हैं, कई जगह कई तरह से अटैक किया गया। जी हाँ बिल्कुल, देखिए 5000 रॉकेट से हमला होना और वो रॉकेट के हमले अलग अलग ठिकानों पर, कहीं मिलिट्री बेस पर, कहीं सिविलियन के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, वहीं दूसरी तरफ कार के गोदाम में, और वो धू धू कर किस तरह से जल रहे हैं। तो इजराइल में चारों तरफ विध्वंस है, चारों तरफ तबाही की ये वो तस्वीरें हैं जो आज दुनिया देख रही है। किसी ने नहीं सोचा था अब तक हमने कौन सी तस्वीरें देखी थी, अब तक हम तस्वीर देखते थे कि इजराइल के सैनिक गाजा पट्टी में है वहां पर वो कोई। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए मनीष एक और बड़ी खबर आ रही है तुरंत, इसका हमें रुख करना पड़ेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध की घोषणा कर दी है। नेतन्याहू ने साफ कहा